श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला डॉट कॉम में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 4 अगस्त 2019 का दिन है, दोपहर के 2:36 हो रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट का मैं जिक्र करूंगा जो थर्सडे नाइट को हुआ, जिसका इम्प्लीकेशन हमें अक्रॉस द मार्केट देखने के लिए मिला। अक्रॉस द मार्केट का मतलब है कि इक्विटी में भी देखने के लिए मिला, नेक्स्ट डे कमोडिटी में देखने के लिए मिला, कॉपर में देखने के लिए मिला, जिंक में देखने के लिए मिला, लेड में देखने के लिए मिला, खास तौर से गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड में इसका इम्प्लीकेशन और बहुत फास्ट इम्प्लीकेशन देखने के लिए मिला। इसमें से खास तौर से मैं दो कमोडिटीज की बात करूंगा, गोल्ड की और क्रूड की। दोस्तों गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट था एमसीएक्स में और दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कॉमिक्स में 1412 से 1417-18 के बीच में 1412 से 1418 के बीच में ट्रेड कर रहा था, जो एक्सटेंड होके 1424 पे गया और वो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सेम कंडीशन क्रूड के साथ भी थी, क्रूड ने भी बहुत अच्छे सपोर्ट्स डेवलप कर रहा था 3900 के पास। तभी रात में एक ट्वीट आया ट्रंप का, थर्सडे नाइट अराउंड 11 o'clock इंडियन टाइम के हिसाब से। अब मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहता हूं कि वो ट्वीट क्या था। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने एक ट्वीट किया, आवर रिप्रेजेंटेटिव हैव जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम चाइना वेयर दे हैड कंस्ट्रक्टिव टॉक्स हैविंग टू डू विद अ फ्यूचर ट्रेड डील। वी थॉट वी हैड अ डील विद चाइना 3 months अगो, बट सडनली चाइना डिसाइडेड टू रीनेगोशिएट द डील प्रायर टू साइनिंग। मोर रिसेंटली चाइना agreed to buy agricultural product from US in large quantities but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of fentanyl to the United States. This never happened and many Americans continue to die. Trade talks are continuing and during the talks the US will start on September 1st, putting a small additional tariff. ये लाइन याद रखिए, इसी ने गोल्ड में एक तरफा 1400 पॉइंट की रैली फ्यूल कर दी, मतलब जो 35,000 से और 13,000 पॉइंट की एक तरफा रैली फ्यूल करी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने 8.5% क्रूड को एक दिन में गिरने पे मजबूर कर दिया। कॉपर पिछले कुछ दिनों में एलएमई के ऊपर आप अगर देखेंगे तो लगभग 3.5% से 4% गिर गया। तो ये जो न्यूज है दोस्तों, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ये लाइन, इस लाइन को मैं आपको ब्रीफ करता हूं। ड्यूरिंग द टॉक्स यूएस विल स्टार्ट ऑन सेप्टेंबर 1st पुटिंग अ स्मॉल एडिशनल टैरिफ ऑफ 10% ऑन द रिमेनिंग $300 billion of goods and products coming from China into our country. This does not include the $250 billion already tariffed at 25%. We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive trade deal and feel that the future between two countries will be a very bright one. Or क्या हुआ, ये न्यूज के बाद ये जो पूरी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिली, जो मोस्टली अगर मैं इन कैंडल्स से लूं तो ये 5-5 मिनट की कैंडल है। देखिए 1430 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 1430 के बाद एक जो सीधी कैंडल बनी वो 1445, मतलब 1% गोल्ड एक कैंडल में। उसके बाद ये और फिर जो उसने टॉप क्रिएट किया वो ये टॉप था 1461.05 का, जो टॉप मार्केट ने लास्ट फ्राइडे तक होल्ड किया। तो ये जो मैसेज है इसके मायने क्या है, ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द गुड्स व्हाट दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, तो 10% 15% मिला के 25% ऑलरेडी 250 बिलियन के गुड्स पे टैक्स लगा दिया था। उधर चाइना ने भी कुछ इंपोर्ट्स कर्ब करने की कोशिश करी, अपने युआन को डीवैल्यू करके
एडजस्ट करने की कोशिश चाइना कर रहा है, लेकिन ये जो नया जो अभी पिछले G20 के बाद ये उम्मीद देखी जा रही थी कि कुछ जो है वो शांति एशिया में देखने के लिए मिलेगी, जो वर्ल्ड ओवर एक जिटर है यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से, जिसने बेस मेटल के प्राइसेस को बहुत ड्रैग किया। ये तो सारे MCX वालों ने इसको कंपलसरी डिलीवरी कर दिया, नहीं तो अभी आपको जिंक बहुत बड़ी बात नहीं है 150 रुपए के आसपास दिख रहा होता, लेड जो है वो आपको 118-120 रुपए दिख रहा होता। आपको मैं अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर आपको इस समय 370-380 रुपए के आसपास दिख रहा होता। तो ये जो भी कुछ जिटरनेस, जो भी कुछ ये प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और खासतौर से एशियन रीजन में, उसकी बहुत बड़ा जो उसका रीजन है वो ये ट्रंप और चाइना जी के बीच में ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, जिसमें टाइम टू टाइम कोई भी एक ट्वीट ट्रंप की तरफ से आता है, कोई भी नए इम्प्लीकेशंस आते हैं, कोई भी नए टैरिफ्स आते हैं और मार्केट इस तरह से। अब एक तो ये है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो क्रूड है, क्रूड में क्या हुआ, क्रूड में हमें किस तरह की मूवमेंट देखने के लिए मिली। तो मैं आपको क्रूड पे लेके चलता हूं, सेम टाइम पे जब गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा था, बिकॉज गोल्ड हेज है, जब भी वर्ल्ड ओवर अनसर्टेनिटीज देखने के लिए मिलती है तो गोल्ड एज अ हेज काम करता है। मैं स्पेसिफिकली देखिए, ये है, ये एक यहां से ये एक कैंडल में हमें आप देखोगे तो 56.72 से 54.20 की गिरावट, मतलब ये इतनी फास्ट गिरावट थी, जैसे ही वो ट्वीट पब्लिश हुआ और उसके बाद बूम, सेम डे सेम टाइम बूम, और उसी ड्यूरेशन में गोल्ड में ये मूवमेंट देखने के लिए मिली। अब एक और रीसेंट ट्वीट आया है, जो ट्वीट सैटरडे को आया है, और ये ट्वीट क्या है, थिंग्स आर गोइंग वेल अलोंग वेरी वेल विद चाइना, दे आर पेइंग अस टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेड पॉसिबल बाय देयर मॉनेटरी डीवैल्यूएशंस, जो मैंने अभी आपको कहा कि युआन को डीवैल्यू कर रहा है चाइना ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, इम्पोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, साथ में एक अच्छी चीज की डॉलर के अगेंस्ट में जो युआन को प्लेस करना चाहता है चाइना युआन को एक वर्ल्ड करेंसी के रूप में डेवलप करना चाहता है, उसके लिए चाइना को डॉलर को युआन को डिवैल्यू करना या एक कंपेटिटिव प्राइसिंग पे लाना बहुत जरूरी होगा, जिसके लिए एक टाइम कुछ साल पहले चाइना ने 33% डिवैल्यू कर दिया था युआन को, अगर आपको याद होगा तो। अमाउंट ऑफ कैश टू कीप देयर सिस्टम गोइंग, सो फार आर कंज्यूमर इज पेइंग नथिंग एंड नो इन्फ्लेशन, नो हेल्प फ्रॉम फेड। अब देखिए, जो गोल्ड में मूवमेंट हुई, एकदम से ये मूवमेंट हुई, और अगर मैं इंडियन मार्केट में कहूं कि 35,000 से सीधे वो 36,327 तक का हाई बन गया बिना किसी मेजर रिलीफ के, वो क्यों, उसकी दो वजह थी। एक तो जो इंडिया के जो जीडीपी के डेटा आए थे वो अच्छे नहीं आए, और जिसकी वजह से रुपया डॉलर के अगेंस्ट में 1% तक डीवैल्यू हो गया, या मैं कहूं कि डॉलर 1% तक मजबूत हो गया रुपए के अगेंस्ट में, तो 0.9% के आसपास, मैं वो भी आपको दिखाता हूं, जो मैं कह रहा हूं कि कल रुपए की स्थिति क्या थी, बहुत सारे कमोडिटीज को इसने बचा लिया, आप देखेंगे 1.01%, ये एक रिमार्केबल फिगर है, महीनों में सालों में एक दिन कभी ये फिगर देखने के लिए मिलती है जब किसी देश की करेंसी 1% गिर जाए एक दिन में। इसको आप सोचिए कि ये कितनी नेगेटिव टेस्टिमनी है इंडियन मार्केट्स के लिए, और 69 पॉइंट, ये जो 1% रुपया कमजोर हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस पूरे सेटअप में, या इस पूरी जो बढ़त आई है उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से हमें ये एक एक्स्ट्रा राइज देखने के लिए मिली सारी कमोडिटीज में, क्योंकि जब डॉलर राइज करता है
तो उसका जो इफेक्ट होता है वो ऑल ओवर अक्रॉस द बोर्ड देखने के लिए मिलता है, वो किसी कमोडिटी तक सीमित नहीं रहता। तो ये कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में हमारे को देखना समझना इंपॉर्टेंट होगा। गोल्ड के अंदर 1467 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो नेक्स्ट वीक में गोल्ड अगर उसको होल्ड करता है या नहीं करता है। ये जो न्यूज निकल के आई है ये थोड़ी सूदिंग न्यूज है, इसको एशिया किस तरह से लेता है मॉर्निंग में और फिर उसका इफेक्ट आपको इंडियन मार्केट पे भी आता हुआ दिखेगा। इन सब चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा जब मंडे ट्रेड में जाएगा। लेकिन जो मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि ये जो गोल्ड के अंदर एक कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट, हाँ एक पॉइंट और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, वो पॉइंट ये है दोस्तों कि जब फेड ने एक जो वाइडली एक्सपेक्टेड था कि 0.5% का कट होगा इंटरेस्ट रेट में, लगभग 11 साल के बाद फेड ने 0.25% का कट किया। 0.5% का एक्सपेक्टेड था, 0.25% भी जब हुआ तो ये उम्मीद की जा रही थी कि फेड अक्टूबर में एक और कट करने के लिए या सितंबर में एक और कट करने के लिए कुछ डायरेक्शंस देगा, वो नहीं दिया। इसीलिए जो ट्रंप के ट्वीट में नो हेल्प फ्रॉम फेड आया, ट्रंप को बहुत उम्मीद थी कि जो जेरेमी पावेल है एफओएमसी चेयरमैन वो 0.5% कट करेंगे और ना सिर्फ कट करेंगे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बूस्ट करने के लिए। यूएस जो है वो इलेक्शन मोड पे ऑलरेडी गया है, 2020 में चुनाव है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो ये उम्मीद कर रहे थे ट्रंप। ये सारी कवायद जो है ये मोटा मोटा उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये जो वायदे थे वो ट्रंप ने किए थे जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें मेक्सिको की दीवार बनाने का, अपने अमेरिका फर्स्ट रखने का, या जो भी डील्स की गई थी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा वेरियस कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना है, इंडिया है, या और भी जो ट्रीटीज थी, उन ट्रीटीज को बार बार निगोशिएट करके ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि बाकी गवर्नमेंट्स ने, बाकी प्रेसिडेंट्स ने देश को तवज्जो नहीं दिया, अमेरिका को तवज्जो नहीं दिया, अमेरिका उन डील से फायदे में नहीं है, जबकि ट्रंप हर डील में अमेरिका फर्स्ट रखना चाहते हैं और उसके केस में उनको पता नहीं कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी का कितना नुकसान कर रहे हैं। खैर जो भी कुछ हो, अमेरिकन्स इसको किस दृष्टि से देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन मार्केट्स इसको किस दृष्टि से देख रही हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो मूवमेंट्स, ये जो जिटर्स, बिकॉज जो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती है चाइना के अंदर, जिसके साइंस ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसका बेस मेटल पे बहुत निगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर सेम सिचुएशन ये है कि थोड़े बहुत सेवियर, अगर वर्ल्ड ओवर ग्रोथ नेगेटिव होगी तो इंडियन मार्केट्स में डिक्लाइन आएगी, जो कि ऑलरेडी अपने पीक से 1000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, और अगर वो नीचे जाती है और रुपए में मजबूती आती है तो जो थोड़ी बहुत गिरावट, फास्ट गिरावट हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए थी बेस मेटल्स में और क्रूड में, वहां पर कुछ कुशन आपको रुपए की वजह से आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं या रेगुलर मार्केट में ट्रेड्स करते हैं, तो इन फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करिए, इनको जरूर देखते रहिए। हाँ, ट्रंप के ट्वीट्स जो हैं वो इसको मैं क्या कहूं, ट्रंप के ट्वीट्स और मुंबई की बारिश का कुछ पता नहीं वाले सिचुएशन है कि वो कब आ जाएगी और ये कब ट्वीट कर देंगे और क्या कर देंगे, तो वो चीजें हम अकाउंट में लेके नहीं चल सकते। बाकी मैं कहूं तो 1467 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक में होल्ड करना। अगर गोल्ड वो होल्ड कर जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता, ट्रेड नहीं करता, तो मंडे को या नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि फिर गोल्ड एक रेंज में लौट आए, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि न्यूज किस तरह से निकलती है, इंडियन मार्केट कैसे ट्रेड करती है, रुपया कैसे बिहेव करता है, क्योंकि अकेले रुपए ने 370 पॉइंट्स ऐड कर दिए, 350 पॉइंट ऐड कर दिए गोल्ड के अंदर, 40 पॉइंट ऐड कर दिए क्रूड के अंदर, तो रुपया किस तरह से बिहेव करता है डॉलर के अगेंस्ट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वजह थी जो गोल्ड में हमें राइज देखने के लिए मिला, ये वजह थी, ये ट्वीट्स थे जिनकी वजह से पूरे मार्केट में एक जिटरनेस देखने के लिए मिली। उम्मीद करता हूं कि अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा। आने वाले समय में गोल्ड कैसे बिहेव करेगा इसका मैंने एक हिंट आपको दे दिया है, सेपरेट वीडियोज आपको लेवल्स पे मिल जाएंगे, मैं उनको बना के डाल दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियोज, जो भी अपडेट्स,
जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज, जो भी एनालिसिस मैं डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप हमेशा अपडेटेड रह सकें, जो कि मेन उद्देश्य है मेरा इन सब कामों को करने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।